और इस तरह साध्वी प्रज्ञा और उमा भारती के बीच नाराजगी की खबरों पर बीजेपी की तरफ से विराम लगने की कोशिश हुई। मुलाकात के दौरान उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा के साथ अपने मजबूत रिश्तों की दुहाई दी। साथ ही साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करने के बाद उन्हें एक चम्मच खीर भी खिलाई। इसके बाद उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उम्मीदवार बनाने पर भी अपनी खुशी जाहिर की। इतना अच्छा लगा जब मैंने सुना कि मैंने रामलाल जी को कहा कि खबर है कि हकीकत खुली है तो हकीकत। उमा भारती ने अपने उस बयान पर भी सफाई दी जिसमें उन्होंने खुद को मूर्ख प्राणी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा को महान संत बताया था। नहीं, ये आपकी भावना है, पर मीडिया वाले भावना कहाँ समझते, शब्द समझते। सबको लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे थे मीडिया वालों। नहीं, मैं उन्हें आगे पीछे का गायब कर दिया ना। साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच कोई नाराजगी नहीं है। साधु सन्यासी आपस में हृदय से और आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, पर हम लोग कभी एक दूसरे के बारे में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालते। साध्वी प्रज्ञा की बीजेपी में एंट्री के बाद से ऐसी खबरें हैं कि उमा भारती को नजरअंदाज किया जा रहा है। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को शिकस्त भी दी थी।